हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की पैडागोजी। मैथ्स की पैडागोजी में हमारी ये पांचवी वीडियो चलेगी। इससे पिछले हमने चौथी वीडियो देखी थी और चौथी वीडियो में हमने देखा था गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, उसे कितनी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए स्कूलों में या विद्यालयों में। तो आज देखते हैं हम विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, यानी कि इसकी क्या महत्व है। एक बच्चा अगर उसे पढ़ता है एक विद्यालय में, उसे पाठ्यक्रम के स्थान में रखा गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, गणित को अधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं, जिनको गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं। गणित की भाषा में इस महत्व को, लाभ को मूल्य के रूप में बताया गया है। और कहा, गणित के महत्व को उनके विभिन्न विषयों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य है, वो कौन कौन से मूल्य है देखिए, जिसमें पहला दिया है बौद्धिक मूल्य, यानी कि बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, ये आप जानते हैं। फिर दूसरा दिया है प्रयोगात्मक मूल्य। यहाँ पे ये विशेषता क्या है, तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे में जिस तरह का मैथ के पढ़ने से विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, वही चीज यहाँ पे मूल्य के रूप में दी गई है। तीसरा है अनुशासन संबंधी मूल्य। अनुशासन कैसे आएगा, देखिए मैथ्स का जो एक क्रम है वो एक क्रम से चलता है। अगर हम आपको प्रश्न उत्तर दें तो आप पहले उत्तर लिख के तब प्रश्न लिखेंगे, लेकिन मैथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पहले आंसर लिख देंगे तब उसको बाद सॉल्व करेंगे, आपको पहले सॉल्व ही करना होगा, तदुपरांत ही आप आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए अनुशासन क्रम है तो अनुशासन रहेगा। और चौथा है वो नैतिक मूल्य है। जब इंसान में अनुशासन रहेगा तो नैतिकता भी अपने आप ही विकसित होगी, स्वतः विकसित होगी। फिर है सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। सांस्कृतिक मूल्य, अब मैथ्स का संस्कृति से क्या संबंध है। संस्कृति एक विशेष, हम छोटे बड़े बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाते हैं। एक अमीर व्यक्ति भी सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाता है और एक गरीब व्यक्ति भी। विवाह शब्द जैसे हम लेते हैं, विवाह एक अमीर व्यक्ति भी करता है और एक गरीब व्यक्ति भी। लेकिन क्या जो अमीर व्यक्ति जितने बजट में वो खर्च करता है, क्या गरीब व्यक्ति भी उतने ही बजट में खर्च करता है, या ये सोचकर वो विवाह नहीं करता कि अमीर के पास इतने पैसे हैं तो उसने विवाह किया, हमारे पास इतने पैसे इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन वो करता है, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम वो करता है और अपने बजट के अनुसार करता है। तो ये बजट आपका क्या आता है मैथ के अंदर। तो ये कहां सांस्कृतिक मूल्यों को भी विशेषताएं उसमें विकसित होती है बच्चे में। फिर आगे दिया है सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य। कलात्मक मूल्य मूर्ति कला है, हर एक चीज को मापन के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। हाथ लंबे बना दे, पैर छोटे बना दे, तो ये मूर्ति कला कला नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट लेता है मैथ से ही। आगे दिया जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, क्योंकि आप जानते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए मैथ कितनी इम्पोर्टेंस है। फिर दिया है मनोवैज्ञानिक मूल्य। दसवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य। और ग्यारहवां है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कैसे, अभी कुछ पॉइंट्स हम आगे देखेंगे। देखिए ये तो हो गया गणित का महत्व। अब आगे जो दिया है वो गणित की भाषा है। हर एक विषय की अपनी एक खास भाषा होती है। जैसे यहाँ पे लिखने के लिए तो हम हिंदी वर्डों को यूज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हिंदी ही इसकी भाषा है। भाषा का मतलब कि वो विषय क्या कहना चाहता है, आपके दिमाग में क्या डालना चाहता है, ये है इसके अंतर्गत। तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत, गणित की अपनी भाषा यानी कि लैंग्वेज है, जिसमें गणित पद कौन कौन से वर्ड आते हैं जिसके कारण हम उन्हें गणित की भाषा कह सकते हैं। तो गणित पद में प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र तथा संकेतों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके ज्ञान का एक निश्चित तथा ठोस आधार होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठोस आधार होता है, एक निश्चित अंक निकल कर आते हैं आंसर के रूप में। फिर यह गणित से प्रदत्तों तथा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि जो आंसर आता है, जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो संख्यात्मक होता है। जैसे 16 आंसर आया है, हम उसे 16 हिंदी में भी लिखते हैं, 16 लिख सकते हैं। मैथ के अंकों की भाषा में कहें तो हम एक लिख के 6 लिख देंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन जो 16 हिंदी में लिखा है हमने या अंकों में लिखा है, लेकिन वो एक संख्या के रूप में ही आया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो निष्कर्ष निकलता है वो संख्यात्मक निष्कर्ष के रूप में ही आता है। फिर दिया है वास्तव में गणित की प्रकृति एवं अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। गणित की जो प्रकृति वो अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिससे विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। और यही कारण है कि विद्यालय में मैथ को अनिवार्य विषय के रूप में 10 तक अपनाए जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या है, इसी का दिया गया है गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण यानी कि मात्रा, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पत्र इसका विशेष क्षेत्र है। नंबर सिस्टम इसका विशेष क्षेत्र है। फिर दिया गया है गणित, इसलिए गणित को संख्या तथा
स्थान का विषय भी कहा जाता है। देखिए जो मेन है मैंने उस पर कलरिंग की है, आप वो पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। आगे है किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति, देखिए संस्कृति में कैसे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे दिया गया है, किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति की अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राज्य या समाज के निवासियों की रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलुओं को द्वारा ही की जाती है। और गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करती है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिया गया है गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। और यही कारण है कि जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हागवेल हैं, ये गणितज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। उन्होंने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि आपसे ये दिया जाएगा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इसे किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा प्रसिद्ध गणितज्ञ हागवेल का। फिर आगे देखिए इसके अन्य विषयों में कैसे इम्पोर्टेंस है, दिया है गणित विषय को संस्कृत एवं सभ्यता का सृजनकर्ता एवं पोषक माना जाता है। किसका? सभ्यता एवं संस्कृति का पोषक माना जाता है मैथ को। कैसे? रस, छंद, अलंकार, संगीत के सभी साज सामान, चित्रकला और मूर्तिकला आदि सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होते हैं। आप सोच रहे कैसे होगा, देखिए रस छंद हम मात्राओं को गिनते हैं, अलंकार मात्राओं को ही देखते हैं, संगीत सुरों के क्रम को देखते हैं, साज सामान नापतोल जिसमें सजावट होती है तो हम नापतोल भी देखते हैं, चित्रकला मूर्तिकला हमने अभी बताया, ये किसी न किसी रूप से मैथ से ही प्रभावित हैं। फिर आगे दिया है देखिए संस्कृति किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जीवन पद्धति को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। इस प्रकार नए नए आविष्कारों से हमारे जीवन का ढंग एवं सभ्यता संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति आविष्कारों से प्रभावित होती है। देखिए साफ साफ लिखा है कि सभ्यता और संस्कृति आविष्कारों से प्रभावित होती है। जैसे जैसे नए आविष्कार होते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति प्रभावित होती है। और ये नए नए जो आविष्कार है ये किससे प्रभावित होते हैं? ये मैथ से प्रभावित होती है, यानी कि मैथ को ही आधार लेकर ये आविष्कार बनते हैं, तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित है। आगे देखिए क्या गया है, भौतिक उन्नति प्राप्त करने में जो वर्तमान का समाज हम है, यानी कि स्वयं मनुष्य भौतिक उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है जबकि पहले नहीं था। कहा जा रहा है कि वह कभी इतना असभ्य और अभिज्ञ था कि उसे एक के आगे गिनती भी नहीं आती थी। गणित के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह किसी एक राष्ट्र वर्ग जातीय धर्मानुयायियों का नहीं है और न ही किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति। मानव निर्धारकों की परिधि की गणित के ज्ञान का नवीन अनुसंधानों को बांधकर रख सकती है। ये आगे देखिए क्या दिया गया है, फिर इसी में दिया गया है, अब यहाँ पे निचोड़ दिया जा रहा है कि इस प्रकार सारांश रूप में कहा जा सकता है कि हमारे जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो कि गणित के ज्ञान से किसी न किसी रूप से प्रभावित तथा संबंधित न हो, यानी कि जीवन का हर एक वो पहलू है जो किसी न किसी रूप से मैथ से प्रभावित है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब आई थी? 1986 में। तो कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में थे गणित के दैनिक जीवन व राष्ट्र विकास में महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है। क्या कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? यह वास्तविकता है कि गणित को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं, अतः विद्यालय और अध्यापक द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि सभी बच्चों को गणित के स्तर को उन्नत किया जाए, यानी कि बच्चों में गणित का विकास किया जाए, एक ऐसे लय लेना चाहिए, ऐसा विकास किया जाना चाहिए। आगे दिया है देखिए, इस प्रगति का अध्ययन करने में से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। यह आप जानते हैं कि बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास मानसिक शक्तियों को भी प्रबल बनाती है। तो यहाँ दिया है अवसर मिलता है गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आप जानते हैं कि अगर आप स्वयं देखिए, अगर आप मैथ लगाने बैठ जाएं, आप कोई और सब्जेक्ट करने बैठ जाएं, तो आप घंटों पढ़ लेंगे और आप बोरिंग से हो जाएंगे और आपको समय इतना भारी लगेगा। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप करने बैठ जाएं तो घंटों का वक्त बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका फाइनली होता है क्या, अरे एक घंटे में तो आपने केवल दो ही क्वेश्चन या तीन ही क्वेश्चन किए, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं पाए और इतना वक्त बीत गया। जबकि अदर सब्जेक्टों में क्या होता है,
समय भी नहीं बीतता, पढ़ लिख के बैठ जाते हैं भले आपके दिमाग में उन्होंने घुसे। तो क्या कहने का मतलब है कि एकाग्रता है, मतलब इसमें वो पॉइंट, सारे पॉइंट्स आते हैं जो एक व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। तो यहाँ कहा गया, हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। हम किसी औजार को जब उसे चोक करना हो या पैना करना होता है तो क्या करते हैं, उसे पत्थर पर रगड़ते हैं या पत्थर से उसे रगड़ते हैं। तो कहा जा रहा है गणित भी उसी तरह से बुद्धि को तीक्ष्ण करने में, तेज करने में गणित भी उसी तरह से पत्थर का काम करता है। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा गणित की भाषा के अंतर्गत आ गया। अभी हमने आज 5 वीडियो खत्म की, अब हम अगली वीडियो, 6th वीडियो जो हमारी बनेगी वो हो जाए गणित, सामुदायिक गणित, यानी कि सामाजिक गणित क्या है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।